मेरे प्यारे नाज्रेन अलकम वरहत लबरक मैं हकीम हाफिज़ अब्दुल करीम जैसा कि आप सामीन को मालूम है कि मैं बारह तजर्बा किया हुआ नुस्खा आप सामीन के सामने पेश करता रहता हूँ YouTube के ज़रिए से बहुत सारे लोग हमारे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे और लफज़ इंसान इंसानियत के फ़ायदा का ज़रिया बन रहे होंगे मेरे भाई मैं आज एक नुस्खा तजवीज़ करके लाया हूँ जो नुस्ख़ा फ़कीरी नुस्ख़ा है अकाबिरों का बताया हुआ नुस्खा है और जिस नुस्ख़े से बहुत सारे लोग होकर अपनी ज़िंदगी बशर कर रहे हैं मेरे भाई ये नुस्खा है ख़ास करके जवान भाइयों के लिए जब चढ़ती हुई जवानी होती है तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी लाक हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान कमज़ोर हो जाता है लागर हो जाता है सुस्ती बदन के अंदर आ जाती है और तरह तरह से परेशान होकर बहुत सारे पैसे ख़र्च कर देता है लेकिन वो परेशानी दूर होना मुश्किल हो जाती है और उसके बाद बहुत बड़ी बीमारी के अंदर वो इंसान आ जाता है मेरे भाई अच्छी तरह याद रखें कि एक बीमारी होती है जिसको जिरियान कहा जाता है दूसरे लफ्ज़ों में एहतलाम की कसरत कह देते हैं या तीसरे लफ्ज़ों में इसको धात का शिकायत भी कह देते हैं जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी जो बढ़ने की उम्र होती है उसके अंदर परेशानी और दुश्वारी बनने लगती है हमारे अकाबिर ने एक नुस्खा तजवीज़ किया है और नुस्ख़े को मैं अपने पास चला रहा हूँ इससे बेानतहा लोगों को फ़ायदा हुआ जिसको भी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं होती और दुशारी ख़त्म हो जाती है मैं सोचता हूँ कि शवाब जारिया की नीयत से तमाम लफज़ इंसानियत तक इस नुस्ख़े को पहुँचाया जाए ताकि लोग इसे फ़ायदा हासिल कर सकें मेरे भाई जिसको कसरत अहतम या जिान का शिकायत हो या का शिकायत हो या पेशाब के रास्ते में जलन हो पेशाब जलन के साथ आता है रुक रुक कर आता है इन तमाम तर बीमारियों में इस दवाई को दें इन बेइंतहा फ़ायदे पर मुश्तमिल है मेरे भाई वीडियो बढ़ती जा रही है मैं नुस्खे की तरफ़ चलता हूँ और नुस्खा बता देता हूँ याद रखें लिख लें या वीडियो को बार बार चलाकर उस दवाई को ले आवें और इस्तेमाल करें मेरे भाई दवाई लिखें दवाई इस तरह है मूसली सफ़ेद मूसली सफ़ेद दस ग्राम मूसली सियाह दस ग्राम सालम मिश्री दस ग्राम सकाकल मिश्री दस ग्राम ताल मखाना दस ग्राम और बिंदलोचन दस ग्राम सतावर दस ग्राम कमरकस दस ग्राम गोखरू खुरद दस ग्राम गोखरू कला दस ग्राम अड़हर खुर्द दस ग्राम हड़हर कला दस ग्राम इलायची खुर्द दस ग्राम और इलायची कला दस ग्राम जीरा सफ़ेद दस ग्राम और जीरा सियाह दस ग्राम गोंद बबूल दस ग्राम और चिनिया गोंद दस ग्राम पुदीना खुश्क दस ग्राम अजवैन देसी दस ग्राम मिश्री या चीनी सौ ग्राम को कूट छान कर शफूफ बना लें और इसको गाय के दूध के साथ पाँच ग्राम हर वक्त इसको, इसको इस्तेमाल करें सुबह शाम ख़ाली पेट इसको, इसको इस्तेमाल करें पाँच ग्राम के साथ मेरे भाई देखें बेहतरीन फ़ायदे पर मुश्तमिल है इस दवाई को खाएं अगर किसी भाई को भी ऐसी कोई परेशानी और दुश्वारी है तो बिल्कुल यकीन के साथ खाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इन लेकिन आप लोगों से एक हमारी शिकायत रहती है कि आप हमारे इस चैनल को जो रूहानी चैनल के नाम से है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लोगों तक पहुँचाने के लिए इसको शेयर करें य तो फ़ायदा होगा लोगों को आप सुन लेते हैं आप अपने पास रख लेते हैं लेकिन जो मकसद हमारा होता है वो मकसद में हम आप हमारा साथ नहीं दे पाते इसलिए कोशिश ये करें कि इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और इसको लाइक भी करें लाइक करने से ये होता है कि वीडियो ऊपर चलती है तो दूसरे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है उम्मीद के आप इस पर अमल करेंगे और इसको फैलाने की कोशिश करेंगे जजाकमल्लु खैर